कढ़ी बनाने के लिए हम लेंगे, यहाँ कढ़ी की पकौड़ी बनाने के लिए बेसन है 200 ग्राम, दही 200 ग्राम। ये बेसन कढ़ी बनाने के लिए है और ये वाला बेसन पकौड़ी बनाने के लिए है। करी पत्ता करीब 10 से 12 करी पत्ता, मेथी छोंक के लिए करीब 10 से 1 चम्मच मेथी लेंगे, अजवाइन 1 चम्मच, धनिया जीरा पाउडर करीब 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार, हल्दी 1 चम्मच, सोडा 1/4 चम्मच। ये पकौड़ी बनाने के लिए लेते हैं सोडा, ताकि हमारी जो पकौड़ी है वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। हींग चुटकी भर और तलने के लिए तेल, नमक स्वाद के अनुसार। हम सबसे पहले पकौड़ी का तैयारी करेंगे। पकौड़ी के लिए ये वाला बेसन लेंगे और दही और कढ़ी बनाने वाला बेसन अलग हटा देंगे। अब हम पकौड़ी का तैयारी करेंगे। इसके लिए इसमें आप 1 चम्मच अजवाइन, मिर्च स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल के गाढ़ा घोल तैयार करना है। इसमें सोडा जो है, ये देखिए हमने करीब 1/4 चम्मच सोडा लिया है, ये मिक्स कर देंगे और अब इसमें पानी डाल के इसका एकदम गाढ़ा घोल तैयार करना है, पतला नहीं रखना है। इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। पानी धीरे धीरे करके मिक्स करना है, एक साथ पानी डालने से इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब देखिए ये हमारा पकौड़ी के लिए घोल तैयार हो गया है। यह कुछ इस तरीके का घोल है, गाढ़ा है, इसको पतला नहीं करना है। पतला करने से हमारी पकौड़ी फूले खूब फैल जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी शेप में। कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। आपको इसको मीडियम फ्लेम पे इसको तलना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हाई फ्लेम पे तलना नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। यहाँ देखिए पकौड़ी हमारी फूल के एकदम ऊपर आ रही है, तो यानी हमारा तेल तलने के लिए तैयार है। अब देखिए हम तेल में पकौड़ी डालेंगे। आप हाथ से भी डाल सकते हैं और चम्मच की मदद से भी। जो है बहुत कम कर रखा है। इसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से चला के लाल करके निकाल लेंगे। हमें इसे बीच बीच में कुछ इस तरीके से चलाना है और इसे उलट पुलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से बराबर से सिक जाए। देखिए हमने दूसरा बैच भी पकौड़ी वाला डाल दिया है और अब इसे भी तल के निकाल लेंगे। देखिए हमारी पकौड़ी तैयार हो गई है, इसे हम अलग रख देंगे और अब कढ़ी के लिए बेसन लेंगे। कढ़ी के लिए हमने इतना बेसन लिया है, इसको डाल देंगे। डालने के बाद आज मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे बता रही हूँ, जिनको बहुत जल्दी होती है बनाने की और टाइम नहीं है। और कई बार आप देखते हैं कि कढ़ी हमारी फट जाती है जब हम उसको पकाते हैं और फिर कई बार गुठली गुठली हो जाती है, तो इसके लिए आपका एक मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रही हूँ। आप इसमें देखिए पानी डाल दीजिए एक साथ। यहाँ पे देखिए पानी डालने के बाद क्या हुआ, पानी डालने के बाद इसमें कुछ इस तरीके से लम्स पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, आप इसको इसी तरीके से मिलाइए और इसमें और जितना पानी इसमें, क्योंकि कढ़ी में ज़्यादा पड़ता है, और थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें कितने लम्स हैं। और अगर हम इसी तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो एकदम ख़राब बनेगी, लेकिन नहीं, आज आपकी कढ़ी बहुत टेस्टी बनने वाली है। यहाँ पे देखिए मैंने इतना पानी डाल दिया है, ये कढ़ी बनाने के लिए ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा बर्तन लेंगे और बड़ा छन्नी लेंगे और उसमें इसको डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से छान दीजिए उसको और इसको अच्छे तरीके से चम्मच से चला दीजिए। चम्मच से चलाने पर ये पूरा बेसन नीचे चला जाएगा। इसमें जो दही है ये भी मिक्स कर देंगे। इसी तरीके से छन्नी से छान दीजिए दही को भी। दही छनने के बाद उसमें एक साथ होके मिक्स हो जाएगी और
उसमें लम्स नहीं रहेंगे दही के भी। देखिए ये दही है, हमने इस तरीके से चला के इसमें डाल दे रहे हैं। ये देखिए हमने दही को भी छान दिया है। आप हाथ से भी इसको चला के जल्दी से निकाल सकते हैं, चम्मच से नहीं करके। ये कुछ इस तरीके से एकदम स्मूथ हो गया है। यहाँ देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है, ना दही में ना बेसन में। अब हम कढ़ी छौंकने का तैयारी करेंगे। पूड़ी छानने के बाद जो तेल था एक्स्ट्रा वो हमने निकाल दिया, और केवल एक चम्मच तेल ही है इसमें। तेल गर्म है। अब हम इसमें एक चुटकी हींग पाउडर डालेंगे, 8 से 10 दाना मेथी का डालेंगे और इसे लाल कर लेंगे। देखिए लाल हो चला है। अब हम इसमें करी पत्ता जो है वो डाल देंगे। अब आप इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए, लाल मिर्च डाल दीजिए, लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और इसे चला लीजिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं, ये बगैर लहसुन प्याज की कढ़ी है। हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए पका लीजिए। मसाला हमारा ये पक गया है। अब इसके बाद इसमें पानी, बेसन और दही का जो घोल है ये डाल देंगे एक साथ। अभी इसमें नमक नहीं डालना है, नमक डालने से कढ़ी फट जाएगा, तो इसीलिए अभी इसे केवल इसी तरीके से चलाना है। अब ये हमने जो मिश्रण डाला है अब इसे खूब तेज आंच में हाई फ्लेम पे इसे उबलने देना है। लगातार चलाते हुए चलाना है ताकि ये नीचे से लग नहीं जाए। कई बार ये नीचे चिपक जाता है, तो इसे चलाते रहिए और उबलने दीजिए। मीडियम फ्लेम पे उबलते हुए इसे करीब 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये लगभग पक चुकी है। अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। और इसको इसी तरीके से चलाना है। पकौड़े डालने के बाद आप गैस थोड़ा धीरे कर लीजिए ताकि ये बाहर ना गिरे। अब हम इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे और इसे चलाते रहना है धीमी आंच पे। देखिए यह उबलते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। कढ़ी हमारी पक गई है, पकौड़ी भी काफ़ी पक गई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट पकौड़ी बनी है। अभी काफ़ी गर्म है इसलिए मैं नहीं बता पा रही, लेकिन चम्मच से काट के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट पकौड़ी है। ये देखिए एकदम मक्खन की तरह इसमें गल रही है।